हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू रिमेम्बर व्हाट यू स्टडीड, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। सब बच्चों के प्रॉब्लम होती होगी ये कि मैम हम चीजें भूल जाते हैं। देखो भूलता तो हर कोई है, ठीक है, बट इट डजंट मीन योर देयर माइंड इज वीक। ऐसा नहीं कह सकते कि माइंड कमजोर है, नहीं, सब भूलते हैं चीजें, पर हम उसको याद करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं कि हमारा माइंड थोड़ा अच्छे से वर्क करना शुरू कर दे। तो वो चीजें हम आज बात करने जा रहे हैं उनके बारे में। तो सिर्फ 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने जाऊंगी, अगर इन 3 को ध्यान से फॉलो कर लेते हो अपनी लाइफ में तो देखना अपने अंदर अपने आप चेंजेस तुम्हें दिखने लग जाएंगे। सबसे पहली बात, स्टार्ट स्टडिंग इन मॉर्निंग। मैंने पहले भी बहुत सेशंस में, बहुत वीडियोस में ये बोला है कि बच्चों सुबह की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो सुबह जब आप 2 घंटे पढ़ोगे ना, और जो दिन में 4 घंटे पढ़ोगे, वो दोनों आपके लिए इक्वल वर्क करेंगे। क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल एकदम पीक पर होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखी जाए तो देखो स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज बोली गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो जरूर होगी। और तीसरी बात, जब हम सुबह पढ़ते हैं तो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट वो भी बहुत ज्यादा शांत होता है, साइलेंस होता है पूरी जगह पर, तो क्या होगा, उससे आपका एफिशिएंसी लेवल अपने आप इंक्रीज होता हुआ आपको दिख जाएगा। दूसरी बात मैं करने जा रही हूँ, टू टेक रेस्ट बिटवीन स्टडी। बच्चे बहुत ये गलती करते हैं कि बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं पढ़ते टाइम। सोचते हैं कि हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो उसको पढ़ते जाओ, चाहे 2 घंटे की जगह 4 घंटे उसी को पढ़ने बैठ जाएंगे। ये गलती मत किया करो, ब्रेक लिया करो बीच बीच में। हर पर्सन की बॉडी और माइंड के अकॉर्डिंग ब्रेक के टाइमिंग अलग अलग होते हैं। किसी को 5 मिनट भी बहुत होते हैं और किसी को 10-15 मिनट चाहिए होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितनी देर का लेना चाहते हैं। बट फॉर मी इफेक्टिवली वर्क करेगा, 10 मिनट इज सफिशियंट। आप इतना ब्रेक लीजिए, हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद आप इस ब्रेक को लीजिए। ये ब्रेक से क्या होगा, आपकी बॉडी री एनर्जाइज हो जाएगी और इफेक्टिवली वर्क करेगी। थर्डली मैं बात करूंगी, स्टडी लेस बट स्टडी गुड। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग लेंदी चीजें पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ना है हमें, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता है। चीजों को देखो, लास्ट ईयर के पेपर्स उठाओ और देखो कहाँ से क्वेश्चंस कितने बनते हैं, कौन से टॉपिक से क्या आता है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी चाहिए। और जो पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़कर जाओ, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गुड लक एवरीवन।